क्या बोलूं यार, एक और अल्टीमेट धासु माइंड ब्लोइंग पीसी हमने बनाया है। ये पीसी एवरीथिंग ऑन कस्टमर डिमांड के हिसाब से और उसका मन पसंदीदा प्रोडक्ट हमने चूज किया है। और भी उनको थोड़ा बहुत सजेशन था, मैंने बताया मदरबोर्ड इनके लिए यूज किया गीगाबाइट का X570 ऑरस प्रो सीरीज का है, जिसके अंदर वाईफाई ब्लूटूथ दोनों आता है। राइजन 7 5800X प्रोसेसर चूज किया। उनको इंटेल नहीं पसंद था, उनको इंटेल पसंद नहीं है, इसलिए उनको AMD पसंद आया। AMD में भी 5800X चाहिए। अगर आपको इंटेल पसंद है तो हम इंटेल में भी बिल्ड करेंगे, लेकिन कस्टमर की डिमांड ये है भाई। और उसके अलावा रैम हमने यूज किया 8 GB की, 2 RAM है, 3600 MHz की थर्मल टेक की काफी अच्छी वाली रैम है। उसके अलावा भाई स्टोरेज इनके लिए यूज किया है XPG का, आप देख सकते हो 1 TB की SSD है, जो Gen 3 में ही है लेकिन RGB वाली SSD है। उसके अलावा भाई 2 TB की सेकेंडरी स्टोरेज भी मैंने 7200 RPM वाली यूज किया है, जो WD की तरफ से आती है। और उसके अलावा भाई डीप कूल का 2 750 वॉट्स 80 प्लस गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई एंड कूलर मास्टर का TD500 मेश केस है। उसके अलावा भाई इसके अंदर मैंने ओरस जो कूगर की तरफ से आता है 360mm का बजट इकोनॉमिकल AEO भी यूज किया है। भाई इसके अलावा इस पीसी के अंदर मैंने एक बजट इकोनॉमिकल कीबोर्ड माउस और 27 इंचेस का IPS पैनल 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लिया। हालांकि 2K गेमिंग के लिए 2K मॉनिटर रिकमेंडेड है, लेकिन अभी कस्टमर बोल रहा है कि एक मॉनिटर लेता हूँ, सेकेंडरी मॉनिटर कर दूंगा इसको, बाद में एक मॉनिटर और अपग्रेड कर दूंगा। भाई गेस करिए ग्राफिक कार्ड कौन सा है। ग्राफिक कार्ड ट्रिपल फैन का कलरफुल का RTX 3070 Ti ग्राफिक कार्ड है। ये पूरा पीसी बिल्ड एंड इंस्टॉलेशन एवरीथिंग कस्टमर के सामने हुआ, ऑन कस्टमर डिमांड के हिसाब से हमने बनाया। चलो पूछते हैं कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या यूज के लिए उन्होंने पीसी बिल्ड किया है। और भाई इसके अंदर आपको एनीवेयर इंडिया अगर आपको ये पीसी शिपिंग करना है, हम शिपिंग करेंगे जब आपकी नीड रहेगी। आपको आजकल में खरीदना है तभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट डील प्राइस मिल पाए। और भैया आपको इस वीडियो में ऐड करेंगे कि पीसी बिल्ड के अंदर कैसे उन्होंने मेहनत किया क्या किया, तो वीडियो एंड तक देखना। चलो करते हैं कस्टमर से बात। सो भाई ये पीसी है ना सर के लिए मैंने बिल्ड किया, इनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हाय ब्रो, आपका नाम भैया? ऋषभ भैया। तो ऋषभ भैया आप मेरे स्टोर के बारे में कैसे जानते हो? यूट्यूब से ना। तो आपने आज पीसी एक बिल्ड किया है, तो आपको क्या यूज के लिए आपने आज पीसी बिल्ड किया? एक्चुअली मेरे को वीडियो एडिटिंग करना था, तो मोस्टली मेरे को ऐसा नहीं कि वो बस गेम के लिए चाहिए, तो मेरे को एक्चुअली रेंडर के लिए मोस्टली चाहिए था। तो एक्चुअली मेरे को ये पीसी बिल्ड करना है। ओके, सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था? हाँ ठीक था, बढ़िया था, जो भी था सामने हुआ, जो भी करेक्ट एवरीथिंग कंपोनेंट सब। और सब सील पैक मिले सर आपको? ओके। और सर आप और भी कहीं इंक्वायरी किए थे सर? जस्ट फ्रेंकली तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ने किया था, तो इससे मेरे पता चला कि यहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता है, अफोर्डेबल है। अच्छा ये सही दाम में मिलता है, तो अच्छा क्वालिटी अच्छा है, तो प्राइस देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसके वजह से। फाइनली एक और क्वेश्चन है, आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, हमारा स्टोर आए या ना आए, ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या आप आ सकते हो, वो तो आपके ऊपर रहता है, वो ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन आप हाँ आ सकते हो एंड इट्स फ्रेंडली, सो यू कैन कम एंड विजिट हियर वंस मोर एंड आई विल कम। थैंक यू। सो फ्रेंड्स देखिए, सर ने ट्रस्ट किया और सर ने क्लियरली बोला आपको ट्रस्ट करना है, वो आपके ऊपर ओपिनियन है भाई, मैं उसके लिए भाई बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि भाई मैंने ट्रस्ट किया तभी तो मैंने 170,000 का पीसी बिल्ड किया। तो आई होप ये वीडियो कॉन्फिगरेशन काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना कमेंट में प्लीज जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वगैरह रहेगा। भाई वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच अगेन, और ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी खुशियां लोगों के बीच में बांटते रहना।